ब्रह्म की साधना। इव अनाड़ी इन ऋषियों ने ये नहीं देखा कि 17वें श्लोक में और भी लिखा है कुछ, वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है और ये अपना तो बता रहा है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मेरा ये ओम मंत्र है 15वें में, मेरा तो ओम मंत्र है। और यहां ये कह रहा है 17वें में, ये लास्ट मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 17वां। इसमें क्या कहा कि हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष असौ स अहम स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इसने क्या लिखा, हे मनुष्यो, जिस अनुवाद करता, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योति स्वरूप तक काल है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित आच्छादित मुख, मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो अब देखो, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। ओह, गीत वेद ज्ञान दाता अपना तो अलग बता रहा है कि मैं तो ज्योत स्वरूपी निरंजन हूं, अरे मैं सच्ची बताऊ हूं कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में, यानी ऊपर सतलोक में, सूर्य मंडल नहीं है ये, वो तेजो में लोक में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वह प्रोक्ष रूप है, वो जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है वो गुप्त है, और बाहर जो विजिबल है वो तना से अक्षर पुरुष क्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो बाहर दिखाई देते हैं, वह प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म, अहम मैं आकाश के तुल्य व्यापक खम्भ, खम्भ का अर्थ होता है स्वर्ग भी होता है, खम्भ खम्भ का अर्थ जो है अंतरिक्ष भी होता है। तो ये कहता मैं आकाश के तुलनी, मैं खम्भ अंतरिक्ष में, मैं ब्रह्म अहम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में हूँ और अधिक सबसे गुण कर्म करके अधिक हूँ, सबका ओम सबका रक्षक जो मैं उसका, उसका ओम ऐसा नाम जानो। देखो अब ये क्या बताता है कि इसमें सीधा सा दिया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो जैसे संसार का मनुष्य का मुख होता है सबसे कीमती ऊपर, और ऐसे ही वो जड़ है सबसे ऊपर, तो ये असौ आदित्य पुरुष है, ये सह आदित्य पुरुष है, सह असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब ये क्या कहता है कि वो है, वो परमात्मा तो गुप्त है ऊपर, और मैं अहम, ये अहम अलग है, जैसे यहाँ है ना अहम, असौ ये अलग हो गया, इससे असौ और अहम, ये लास्ट वाला अहम, इस अहम, तो ये कहता है कि अहम मैंने मैं, तो यहाँ मैं ओ, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ओम मेरा नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है। उसके लिए इसी 40वें अध्याय के, इस 40वें अध्याय के 10 से लेकर, अब ये 40वें अध्याय का और 10वां मंत्र है, 40वें अध्याय का 10वां मंत्र, इसका अनुवाद कैसे किया इन्होंने, हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, ये देखो धीराणाम, धीराणाम का अर्थ है तत्वदर्शी संतों से, मेधावी योगी विद्वानों से, तत्वदर्शी संतों से, ये समझो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 में बताया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो, हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से,
जो वचन सुरसुम सुनते हैं, ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरे से अलग कोई और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान युक्त विद्वान संत तत्वदर्शी संत हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, हैं वे लोग संयोग जन्य कर्मों से और ही कार्य का फल वाफल कहते संपन्न उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यात और आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि संभावत माने जन्म, संभव जन्म होना, संभव माने उत्पन्न होना, असंभवात संभवात माने जन्म होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना। इसका अर्थ यह है कि कोई तो कहता है भगवान उत्पन्न होता है किसी विशेष कारण से, माँ से जन्म लेता है, और कुछ कहते हैं कि उत्पन्न नहीं होता। कहते ये ज्ञान तो उन तत्वदर्शी संतों धीराणा मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं। वे लोग कुछ कहते हैं कि जन्म लेता है, कुछ कहते हैं जन्म नहीं लेता, तो वो दोनों प्रकार की व्याख्या को ढंग से बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत हैं और फिर बताते हैं कि अब इसमें 13वें श्लोक में फिर कहा है 40वें अध्याय के, इसमें क्या कहा कि जो हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या पूर्वक कहते हैं पूर्वोक्त विद्या का, यानी पहले श्लोक में मंत्रों में कहा गया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान मान लेते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो विद्वान नहीं कहलाता, लेकिन विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे। उपरोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल कहते हैं। अविद्या यानी जो जिन विद्या नहीं है, अक्षर नहीं है, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इस प्रकार उन धीराणाम यानी आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, तत्वज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं ऐसा जानो। अपुण्यात्मा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांश है। इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में, सांकेतिक शब्दों में सारांश है। अब वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है कि ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, और उससे अलग 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, जब अर्जुन ने बताया कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, अपना कल्याण ही चाहता है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष की डिमांड करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फेर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपुणात्माओं, इन ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, इतना विवेक अवश्य हो गया कि एक ही प्रभु की साधना से जीव का कल्याण होता है, आन उपासनाओं से नहीं। तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, जबकि संकेत कर रहे हैं वेद भी कि उस तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान विधि बताओगे उस परम पिता परमात्मा की जो गुप्त है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वेदों को भी नहीं है। जब चारों वेदों का जब अंत होता है, उसमें लिख देते हैं नेति 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 न इति, इसका अंत नहीं है, जो हमने बता दिया ये ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इसका अंत नहीं हुआ है ज्ञान का, लेकिन हम जितना जानते हैं वो इस हमारे में जो वर्णन है वो इतना ही है, पर वो ये परमात्मा की महिमा और ज्ञान
ये पूरा नहीं है, न इति इसका अंत नहीं, न इति नेति 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 नेति। अब परमात्मा भी कहते हैं जिस ज्ञान को हम लेकर आए उसको वेद नेति कहकर हारे, उसको वेद नेति नेति कहकर हार लिए तब उस ज्ञान को हम लेकर आए। जहां से चारों वेदों का ज्ञान समाप्त होता है वहां परमात्मा कबीर जी का ज्ञान प्रारंभ होता है। अब ये ज्ञानी आत्मा अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए समर्पित थे, जैसा भी उन ऋषि महर्षि नकलियों से इनको ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप हठ योग करने लग गए, हजारों वर्षों तक तपस्याएं करती, लाखों वर्षों का जीवन होता था पहले सतयुग में, हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन साधना करते रहे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से इनका मोक्ष नहीं हुआ। ये भी इस ब्रह्म की ही ब्रह्म तक की गति में ओम नाम के जाप से साधक कहाँ जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में, विष्णु जी की साधना करने वाला विष्णु जी के लोक में, शिव जी की साधना करने वाला शिव जी के लोक में, दुर्गा की साधना करने वाला दुर्गा जी के लोक में, ब्रह्मा की साधना करने वाला ब्रह्मा जी के लोक में, गणेश जी की साधना करने वाला गणेश जी के लोक में वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक होटल बने हुए हैं, आप जी की पुण्य भक्ति और पुण्यों के कमाई के आधार से आपको वहाँ सब सुविधाएं फ्री मिलेंगी। जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आपको फिर ऐसे ही 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के स्वयं भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी भी मृत्यु होती है, तो इनके लोकों में गए हुए प्राणी भी तुरंत ही इनसे भी शीघ्र पुनक्षीण होते ही पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अपुण्यात्मा ये एक जटिल समस्या है, एकदम झटका लगता है नए व्यक्ति को कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे नाशवान बता दिया, इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है रह रहकर, ताकि पुण्यात्मा इस कुनीन को गटक सकें। श्री मद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण शक्ति पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मोटा टाइप सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा, तीसरा स्कंद, यहां पर भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा बता रहे हैं, उसके गुणगान करें, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। महाभाग भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, यानी दुर्गा से जन्म लिया है विष्णु ने, और कहते हैं फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो,
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा।